हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इब्राहिम खान। आज हम देखेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, दैट इज द ब्रिस्टल्स लॉ। नाउ मालस इन 1808 मालस डिस्कवर्ड द फेनोमेना ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। दिस मालस डिस्कवर्ड द फेनोमेना ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड ही डिस्कवर्ड दैट मालस डिस्कवर्ड दैट व्हेन द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस ग्लास प्लेट देन सम पार्ट ऑफ दिस लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एंड रिमेनिंग पार्ट गेट ट्रांसमिटेड। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम अ पार्शियली पोलराइज लाइट। ये जो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर ग्लास प्लेट पे पड़ती है तो कुछ पार्ट उसका क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और कुछ ट्रांसमिट होगा, दूसरे मीडियम में आएगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पार्शियली पोलराइज होगी। दिस इज अबाउट द मालस। नाउ ब्रिस्टल्स परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय द रिफ्लेक्शन एंड दिस ब्रिस्टल इन 1892 में ब्रिस्टल ने क्या डिस्कवर किया है। व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स विच पास द लाइट। नाउ व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एट पोलराइजिंग एंगल, यहां पर इंसिडेंट हो रही है लाइट, लेकिन इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होना चाहिए, पोलराइजिंग एंगल मीन्स दैट इज आई पी या थीटा पी, या उसको थीटा बी भी कहते हैं, ब्रिस्टल्स एंगल थीटा बी। व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम एट पोलराइजिंग एंगल देन द रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, बिकम अ प्लेन पोलराइज लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्री। देखो कितना एंगल बन रहा है दोनों में, 90 डिग्री। देन द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन दैट इज टेन आई पी, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। फिर से देखो, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एट पोलराइजिंग एंगल दैट इज पोलराइजिंग एंगल देन द रिफ्लेक्टेड लाइट, ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, बिकम अ प्लेन पोलराइज लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होंगी, आपकी प्लेन पोलराइज हो जाएगी वो, एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्री। देन द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन दैट इज 10 आई पी इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। और ये जो यहां पर जो है क्या होगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएंगी और जो रिफ्रैक्ट होंगी रे तो वो पार्शियली पोलराइज होंगी, क्या होंगी, पार्शियली पोलराइज। नाउ फ्रॉम द फिगर वी नो दैट, ये फिगर पे देखो, नाउ दिस आई पी, दिस एंगल आई पी प्लस ये आई पी ये प्लस 90 डिग्री प्लस आई पी प्लस 90 प्लस आर पी प्लस आर पी कितना होता है 180। देखो ये पूरा आई पी इतना, ये 90 और ये आरपी, ये पूरा कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना है 180। दिस आई पी प्लस 90
plus Rp is equals to 180. Now this Ip plus Rp is equals to 180 minus 90, that is 90. तो यहां से आप निकालो Rp निकालो, this Rp is equals to 90 minus Ip, 90 minus Ip. Now by Snell's law, what is Snell's law? Refractive index is equals to sin I, लेकिन यहां पे angle of incident कितना है, that is Ip upon sin Rp, sin Rp. Refractive index is equals to sin of Ip upon sin. Now what is Rp? Rp कितना है आपका, 90 minus Ip, 90 minus Ip from equation 1. इसको बोलो equation 1. Rp कितना है आपका, 90 minus Ip. Therefore mu is equals to sin Ip upon, what is sin 90 minus Ip? Sin 90 minus theta कितना होता है, cos theta. तो sin 90 minus Ip कितना होगा, cos Ip, cos Ip. Now sin theta but divided by cos theta, sin theta divided by cos theta is nothing but your tan theta. Therefore refractive index is equals to tan of Ip, refractive index is equals to tan of Ip. This is the proof of Brewster's law, means the tangent of angle of polarization, means tan Ip, the tangent of angle of polarization is equal to the refractive index of the refracting medium, refractive index of the refracting medium at which the partial polarization takes place, at which the partial polarization takes place. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन इज इक्वल टू टेन ऑफ आई पी, टेन ऑफ आई पी. दिस इज अबाउट द ब्रिस्टर्स लॉ. ओके, थैंक यू.